ये लो अम्मा, सामान तो मैं ले आई सारा। अच्छा किया गया। सोनिया देख, जिंदगी भर का मामला बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पर फिर सोच लो। क्या अम्मा, आप क्यों डर रही हो, क्या सोच लो आप? देख भाई, जो ताल्लुक तू जोड़ने जा रही है ना, अगर उसके बारे में इतनी सी भिनक भी लग गई ना उस किंजा को कि सुहेल के साथ तू क्या ताल्लुक जोड़ने जा रही है, तो वो यहाँ आके कयामत बर्पा कर देगी। वो नहीं बाज आएगी, तूफान आ जाएगा। है ये क्या लगा रखी है, कोई मैंने लतीफा तो नहीं सुना दिया? अरे अम्मा, इसी बात का तो मजा आने वाला है जब किंजा को ये पता चलेगा कि उसका शौहर अब उसका ही नहीं बल्कि मेरा भी शौहर है, तो उसकी क्या हालत होगी। अल्लाह, उसकी शक्ल तो देखने वाली होगी। मुझे तो इंतजार है उस दिन का, कब मैं उसकी शक्ल देखूंगी। कसम से अम्मा, मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ उसका ये मंजर देखने से पहले ना तो मैं मरना भी नहीं चाहूंगी। क्या हाल फॉल बके जा रही है, दो ही तो बच्चे हैं मेरे, अल्लाह खैर करे उनकी। एक बेचारा परदेश में इतनी दूर अकेला बैठा हुआ है, और दूसरी मेरी बच्ची जो अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। लेकिन लेकिन मुझे डर लग रहा है। ये कोई अनोखी बात नहीं, बुड्ढों का दिल ना वैसे ही बहुत कमजोर होता है। और तुम ना फिक्र नहीं करो, आज के बाद तुम्हारी सोनिया बड़ी मजे की जिंदगी बल्कि अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगी। कितना मजा आएगा। आमीन, इंशाल्लाह। अल्लाह करे मेरी बच्ची को दुनिया जहान की खुशियां मिले। अच्छा सुन, सुहेल से बात हुई थी? हाँ हाँ बात हो गई थी, वो बस थोड़ी देर में आने वाला है। अच्छा जब सुहेल आएगा ना तो सबसे पहले उससे भी मैं मिलूंगी, मैं उससे बात करूंगी। क्या है अम्मा, अब तुमने कौन सी बात करनी है? नहीं, अरे वही बात करनी है ना जो तय किया था, वो सब मामला पूछूंगी ना उससे मैं। एक बार मेरा सुहेल से निकाह हो जाने दो, फिर वो वही करेगा जो मैं कहूंगी। देख लेना, अगर मेरी बात पूरी ना हुई ना तो पैसे वापस। अम्मा इतने सुहेल आ गए हैं। रुक जा, बड़ी खुशियां चढ़ी हुई है, उछलती फिर रही है, मैं देखती हूँ। हाँ तो क्यों ना उछलूं, आज शादी है मेरी, उछलना तो हक बनता है ना। और तुम ना चुप करके यहाँ बैठी रहो, बड़ा तुमसे चला फिरा जाता है जो दरवाजा खोलने चल पड़ी हो। बैठो, मैं देख के आती हूँ।